हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू काव्य क्लासेस विद सपना। होपफुली आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे और क्लास को डेली अटेंड करते हैं, सो थैंक यू। एंड चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से, आपके लाइक से, आपके सब्सक्राइब से हमें एनर्जी मिलती है बहुत ही ज्यादा बेस्ट करने की, बहुत ही बेहतर क्लास देने की। सो गाइज रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तो जैसे कि पिछली क्लास में हमने कार्बोहाइड्रेट हमको देखना था, तो आई क्लास को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन काफी बार सीटेट में क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं, यूपी टेट में भी काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम आपसे बार बार बताते हैं कि हम यहाँ पे बात करते हैं टू द पॉइंट, कि एकदम सटीकली जो एग्जाम ओरिएंटेड है मैं उसे बताती हूँ, ना कि इधर बताऊं उधर बताऊं। तो मैं ऐसा काम नहीं करती हूँ, वो बताती हूँ जो आपके लिए बहुत ही बेस्ट होता है एग्जाम में पूछा जाए। अब आप इधर उधर का ढेर सारा पढ़ के आपको कुछ समझ ना आए, क्या मतलब है, इसलिए बात करते हैं टू द पॉइंट, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने क्या राइट किया है कि कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट वे पदार्थ है, वे पदार्थ जो स्वाद में मीठे होते हैं, जैसे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसमें क्या होता है, संग्रहित होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में। और अगर एनर्जी की बात करेंगे 4.2 किलो कैलोरी, और पर डे हम कितना यूज करते हैं 320-450 पर डे यूज करते हैं। सोर्स की बात करेंगे तो पोटैटो, मिल्क, ओट्स, दलिया में पाया जाता है। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, क्या कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हम देखेंगे। ओके, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार देखेंगे। तो पहला तो हम क्या देखते हैं कार्बोहाइड्रेट में, देखिए कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड्स। सेकेंड क्या देखेंगे, डाइसैकेराइड। इसकी इंग्लिश भी वही है, ओके, कुछ चेंज नहीं है। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। यहां तक चीजें आपको समझ में आई, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। अब हम बात करते हैं मोनोसैकेराइड में क्या क्या चीजें होंगी। तो फर्स्ट हम क्या देखेंगे मोनोसैकेराइड में, ग्लूकोज। सेकेंड क्या देखेंगे, फ्रक्टोज। थर्ड क्या देखेंगे, गैलेक्टोज, ठीक है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये भी इंग्लिश में इसका नाम सेम है, क्या, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। अब डाइसैकेराइड में क्या देखेंगे, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। इसमें क्या देखेंगे पॉलीसैकेराइड में, सेल्यूलोज, स्टार्च। बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा कि क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, ओके, बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी बार पूछा गया है, तो गाइस इस पे विशेष ध्यान दें। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, सेलुलोज, स्टार्च। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस, क्या क्या होता है। ग्लूकोज की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, यह आधारभूत इकाई है, पता है ग्लूकोज क्या करता है, तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्या, तुरंत इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्या, तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, तुरंत ऊर्जा देता है। और किसमें होता है, तो गन्ना, फल, चीनी। अगर फ्रक्टोज की बात करेंगे, इसमें शहद, चीनी, गन्ना। ग्लैक्टोज की बात करेंगे तो ये फलों में पाया जाता है, फलों में एंड जूस में, जूसों में, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हो रही है, मार्कर चेंज कर दे रहे हैं,
बहुत गर्मी है भाई साहब। अब सुक्रोज की बात करेंगे, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज फ्रक्टोज। और फिर माल्टोज की बात करेंगे तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलके बनता है। और लैक्टोज की बात करेंगे तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है। यहां तक चीजें आपको समझ में आ रही है, यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या देखेंगे, शहद, गन्ना, चीनी, इसमें क्या होगा, सूखे फल, सूखे मेवे, ठीक। और लैक्टोज की बात करेंगे तो मिल्क में होता है। यहां तक चीजें समझ में आ रही है आपको, क्या मिल्क में होता है। देन सेलुलोज की बात करेंगे तो ग्रीन ग्रास, क्या गाइस, ग्रीन ग्रास। स्टार्च की बात करेंगे, ठीक है, इसमें क्या होता है, ग्रीन ग्रीन ग्रास में होता है। और अगर बात करेंगे स्टार्च की, पोटैटो, मक्का, माइस, ठीक है। यहां तक चीजें आपको क्लियरली से समझ में आ गई होंगी। यहां देखेंगे जो सेल्यूलोज होता है, इसका जानते हैं ह्यूमन में डाइजेशन नहीं होता है, ह्यूमन नो डाइजेस्ट, नो डाइजेस्ट। और रीजन क्या है पता है, ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन में सेल्यूलाइटिक एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसलिए ये क्या होता है, ये जो सेल्यूलोज होता है, ये ग्रीन ग्रास होती है, हरी घास होती है, जो कि ह्यूमन इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके अंदर सेल्यूलाइटिक एंजाइम नहीं पाया जाता है। बहुत गर्मी है भाई साहब। हाँ, तो हम कहा थे कि ह्यूमन के अंदर क्या होता है, सेल्यूलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। बात करेंगे क्या, सेल्यूलाइटिक एंजाइम, सेल्यूलाइटिक एंजाइम की वजह से क्या होता है कि ग्रीन ग्रास जो है ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो हमने आपको बेसिकली क्या बताया, अभी हमने क्या बताया, स्टार्टिंग में हमने क्या बताया कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं स्वाद में मीठे होते हैं, ये सारी चीज मैंने बताई। फिर मैंने क्या कहा, ये मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, क्या, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। फिर मैंने आपको क्या बताया, मोनोसैकेराइड में क्या होता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज और क्या होता है, गैलेक्टोज, क्या, ग्लूकोज फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। ग्लूकोज में चीजें क्या होती है कि आधारभूत इकाई है, तुरंत ऊर्जा देता है, क्या, तुरंत ऊर्जा देता है, गन्ना, फल, चीनी। फ्रक्टोज की बात करेंगे तो शहद, चीनी, गन्ना। गैलेक्टोज की बात करेंगे तो फलों में। एंड फिर हमने क्या आपको बताया कि डाइसैकेराइड, जिसमें सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। डाइसैकेराइड में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होता है, और माल्टोज में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होता है, एंड लैक्टोज में ग्लूकोज लैक्टोज होता है। फिर हमने आपको क्या बताया, हमने आपको ये बताया, फिर पॉलीसेकेराइड में क्या होता है, सेल्यूलोज एंड स्टार्च, ग्रीन ग्रास जिसमें होती है। एंड सेकंड क्या हमने बताया आपको, पोटैटो, माइस, ठीक है। यहां तक चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है, यहां तक चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, नो डाउट कि आपको यहाँ कोई डाउट होगा। सो इसे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। इरेजर कहाँ गया, हाँ, इरेज करते हैं। अब बात करेंगे सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, सबसे
मीठा, कार्बोहाइड्रेट। तो क्या होता है सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट? फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज होता है। और आर्टिफिशियल अगर बात करेंगे, आर्टिफिशियल सुगर, तो सैक्रीन होती है। क्या? सैक्रीन होती है। आर्टिफिशियल सुगर की बात करेंगे तो क्या होती है? सैक्रीन होती है, या कृत्रिम शर्करा इसे कहते हैं। क्या? कृत्रिम शर्करा इसे कहते हैं। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। कृत्रिम शर्करा कहते हैं। फंक्शन क्या होता है? शरीर को ऊर्जा देना। शरीर को, शरीर को ऊर्जा देना। यहां तक चीजें समझ में आई आपको? फंक्शन की बात करेंगे और डेफिशिएंसी से क्या होता है? बॉडी में वीकनेस और वेट लॉस। ठीक है, यहां तक चीजें आपको होपफुली बहुत क्लियरली समझ में आ गई होंगी कि देखिए सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? फ्रक्टोज होता है। आर्टिफिशियल सुगर कौन सा होता है? सैक्रीन होता है। फंक्शन शरीर को ऊर्जा देता है। डेफिशिएंसी वीकनेस वेट लॉस, मतलब कमजोरी आ जाती है, वजन घटने लगता है। आई होप कि यहाँ तक चीजें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियरली से समझ में आ गई होंगी। नो डाउट कि कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, सो प्लीज शेयर मी। ओके गाइज, तो आज का सेशन यहीं पे ओवर करते हैं। और जैसे कि क्या आप सभी को एक रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा हो सके चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो आज का सेशन यहीं पे ओवर करते हैं। आपको कोई भी कंफ्यूजन किसी भी टॉपिक में लग रही हो, कुछ भी हो, सो प्लीज़ टेल मी। रिप्लाई आपको ज़रूर मिलने वाला है। किसी भी, मैं अभी इस टाइम इन्वायरमेंट पढ़ा रही हूँ, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन 30 या 30 इंसान करता है, बहुत लोगों का आया हुआ है 30 या 30। सो डोंट वरी, आप ट्रस्ट करिए काव्य क्लासेस पे, आपका 30 या 30 जरूर आएगा। मैं एक एक टॉपिक उठाती हूँ और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती चली जाती हूँ ताकि चीजें आपको एकदम क्लियरली से समझ में आए। क्या? चीजें आपको क्लियरली से समझ में आए ताकि आपको अच्छा लगे कि हाँ कुछ हमें बेस्ट मिल रहा है। इसलिए हम बात करते हैं यहाँ पे, क्या बात करते हैं? टू द पॉइंट। क्या बात करते हैं? टू द पॉइंट बात करते हैं यहाँ पे। टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रखते हैं कि हम बहुत बेटर करने का प्रयास करते हैं, आप लोगों के लिए बेस्ट टॉपिक लाते हैं, फिर बेस्ट क्वेश्चन भी लाएंगे जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आए। और आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो कमेंट में जरूर बताइए, रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। इसमें नो डाउट है कि आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। थोड़ी देर बात कर लेते हैं, कैसे हैं आप सभी लोग, थोड़ा बताइए हमें, कमेंट्स करके बताइए। मेरी यूट्यूब फैमिली है ये, और फैमिली से हर इंसान को लगाव होता है, वो चाहे जिस चाहे जो भी हो। तो मुझे आप सभी से बहुत सारा लगाव है। जब पता है, जब आपके कमेंट्स देखती हूँ ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत हैप्पीनेस फील होती है कि आप लोग, इतने सारे लोग आप हमसे जुड़े हुए हैं और मेरी क्लास डेली देखते हैं और डेली कमेंट्स करते हैं, इससे बहुत ही एनर्जेटिक फील होता है। सो थैंक यू गाइज, आप सभी के सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। सो इसके लिए बहुत बहुत आपको रियली दिल से थैंक यू। और एक बार अगेन कहना चाहते हैं, आज का सेशन यहीं पे ओवर करते हैं। चैनल पे नए हो सो प्लीज गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज्यादा हो सके करिए। ओके, तो मिलते हैं कल। टेक केयर, बाय।